सर आज बताएंगे क्या लॉन्चिंग हुआ है और क्या ओपनिंग है? सबसे पहले तो हमारा तमाम दर्शकन के नमस्कार, आदित्य मोहन का प्रणाम सब किसी को। और आज ये लॉन्चिंग बा एक म्यूजिक स्टूडियो के बा निषाद म्यूजिक। सुनील निषाद जी इसके प्रोप्राइटर हैं और इन्हीं के सौजन से म्यूजिक स्टूडियो का ओपनिंग हो रहा है। काफ़ी ग्रैंड मुहूर्त है, बड़ा मज़ा होता है, बड़ा भीड़ भाड़ बा और सबसे बड़ा मौका बा ये हमारा जितना भी सिंगर लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बा सब किन्होंने बहुत सुनहरा मौका बा। बहुत अच्छा स्टूडियो के ओपनिंग हो रहा बा, बड़ा अच्छा सेटअप बा। यहाँ से अपन अपन गाना रिलीज करी लोग, गाई लोग, बड़ा मज़ा आई यहाँ से। हर सारा सिस्टम यहाँ से मिक्सिंग से लेके सब चीज़ ना जी, सब डबिंग, डबिंग मिक्सिंग सब कुछ बा। तो जितना भी सिंगर लोग बा आई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी, मिक्सिंग करी और एक शानदार पैकेज के मजा उठाई। तो इस तरह की ओपनिंग से भोजपुरी सिनेमा का कितना फायदा होता है उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। सर अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री वो लगभग टोटली भोजपुरी म्यूजिक पे ही सिमटा हुआ है और भोजपुरी फिल्म तो सिनेमा हॉल क्या है सबको पता है। तो आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कभी सोचता हूँ कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री हो गया है। तो भोजपुरी में जितने भी सिंगर्स अभी उनका ही दौर है और स्टूडियो से बहुत फ़ायदा है। अगर स्टूडियो ऐसे ही स्टूडियो की ओपनिंग होती रहती है तो म्यूज़िक कंपनियों के लिए फ़ायदा है, स्टूडियो के लिए, हमारे जितने नए नए सिंगर्स भाई हैं उन सब के लिए फ़ायदा है कि अच्छे जगह से अच्छी क्वालिटी में अच्छे बजट में उनको अच्छा म्यूज़िक मिलता है और उसके बाद फिर वो रिलीज़ करके और आजकल यूट्यूब पर ही म्यूज़िक का सारा खेल है तो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। क्यों सुनील जी? जी जी, तो सुनील जी के इस म्यूजिक स्टूडियो में आप कब गाना गाने वाले हैं? देखिए मुझे गाने का कोई शौक नहीं यहाँ पक्का, लेकिन सुनील जी के यहाँ से जो सिंगर्स गाना गाएंगे और सुनील जी अगर चाहेंगे तो मैं उनके वीडियो जरूर शूट करूँगा अपने ऊपर अगर गाने की क्वालिटी अच्छी रही तो। और जो सिंगर हैं वो अगर स्टूडियो में आना चाहें तो उनके लिए क्या खास कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए वैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा स्टूडियो है, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छे टेक्नीशियंस हैं यहाँ पर, आपको काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बनकर मिलेगा, काफ़ी अच्छे आउटपुट रिजल्ट मिलेगा। तो आप अच्छे जगह से अगर एक शुरुआत करना चाहते हैं या फिर एक गाना अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप निषाद म्यूज़िक में आ सकते हैं और यहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और अभी आप कौन सी फिल्म की शूटिंग करके आ रहे हैं कुछ बताएं? अभी फ़िलहाल मैंने दूल्हा कम्प्लीट किया और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो रिलीज़ पे हैं, जैसे दरदिया बालम है, तकरार है, परिवार के बाबू है, तोहसे जुड़ल सनैया है, शुभ समाचार है, तो बस लाइनअप में है। और बाकी मैं चाहूँगा कि अब सुनील जी कुछ बताएं अपनी म्यूजिक के स्टूडियो के बारे में। सुनील जी आपने आज ओपनिंग किया है तो क्या सोच के किया है कुछ उसके बारे में बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। स्टूडियो सब सिंगर खातिर बहुत अच्छा मौका हो और हम जो सोचा था कि कुछ बेटर कर लिया भोजपुरी में और म्यूजिक ऐसे में भोजपुरी का बहुत मतलब एक ब्रांड बन गया था। और हमारा स्टूडियो खोलने का मतलब है कि जितना भी सिंगर हों यहाँ रहने की व्यवस्था हो और यहाँ जितना भी सपोर्ट हो सके सब सिंगर का हम सब सिंगर भाई का करब और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा काम करब, मतलब म्यूजिक से लेकर रिकॉर्डिंग मिक्सिंग और लाइव का भी व्यवस्था बा। कहीं से इस समय लाइव सब बहुत ज़्यादा सब गावत बटे। आपने का रहने का सुविधा है, मतलब बाहर के जो म्यूजिक सिंगर आने वाले हैं उनके लिए आप खास कुछ फैसिलिटी देंगे? जी जी जे जैसे बाहर से के हो तो यूपी से बिहार से जी अवत हो सिंगर वो यहाँ रहने की भी व्यवस्था हो, यहाँ रह सके ना और सब कुछ काम धाम यहाँ वीडियो भैया वीडियो हमारे यहाँ म्यूजिक रिकॉर्डिंग मिक्सिंग एंड भैया यहाँ वीडियो भी अच्छा खासा हो सके। मतलब जो सिंगर यहाँ पे गाएंगे उनके गाने पे आदित्य सर जो हैं वो वीडियो परफॉर्म करेंगे? ऑफकोर्स, मैंने जैसे बोला अगर गाने अच्छे होंगे तो ऑफकोर्स करेंगे। और जैसा कि सुनील जी ने बताया रहने की, मुंबई जैसे शहर में रहना बहुत सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है, अगर ऐसे में कोई म्यूज़िक कंपनी कोई म्यूज़िक स्टूडियो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको रख करके आपको ट्रेंड कर रहा है, अगर आप एक स्टूडियो में रह के और स्टूडियो में रह कर रहुआ बार बार गा के अगर प्रैक्टिस करता नहीं तो रहुआ कितना नीमन हुई रहुआ रियाज लाई रहुआ सोच सकता नहीं। तो ये सब फैसिलिटी बहुत हर जगह ना मिली तो जितना भी नया सिंगर बाड़े यूपी बिहार के जो वहाँ मेहनत करता रहे आगे बढ़ेला और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाओ तो वो यहाँ आके कोशिश कर सकता रहे सुनील जी के सौजन्य से। सुनील जी और आप दोनों से पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ा मैटर आता है बजट का, तो वो बजट कितना आप लोगों ने रखा है एक सिंगर के लिए कि जो अगर कम से कम में अगर गाना करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? देखिए जो उनका बजट रहेगा उस बजट में मैं कर दूंगा, बट जो नॉर्मल जितना भी हो सकेगा जितना कम हो सकेगा मैं उतना करूँगा क्योंकि सभी कंपटीशन इतना हो गया भोजपुरी में और जो अच्छे सिंगर हैं वो ऊपर आ नहीं पा रहे हैं,
कुछ कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो बजट होगा भाई लोगों का मैं अपने तरफ से करूँगा, बट ये है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है किसी को अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लोग बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं, तो ऐसा ना हो, सब आए काम करें अच्छे से, अच्छा व्यवहार रहे, व्यवहार अच्छा रहेगा तो आगे चल के अच्छा काम होगा। और मैं डिजिटल मार्केटिंग का भी काम स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से यूट्यूब का सारा काम यहाँ से ही होगा। आदित्य सर आप कुछ कहेंगे इस पर? आपने बजट की बात कही थी, जब बात बाकी टैलेंट का बजट ना हो लगा, मुंबई ऐसी शहर है, मुंबई ही एक ऐसा सिर्फ शहर है जहाँ टैलेंट की कदर होती है। हम सब अपने अपने गाँव से आए थे और किसी ने हमारे टैलेंट की कदर की और आज हम सब एक मुकाम पर हैं। तो मुंबई में अगर आपके सपनों में जुनून है और आप में हौसला है तो बस आ जाइए, ऊपर वाला आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। रही बात बजट की, तो हो सकता है अगर टैलेंट हो तो कहीं की बजट भी इशू नहीं करता है, खुद ही लोग प्रोड्यूस करते हैं। जी जी सही बात। और ऐसे कितने लोगों के साथ यहाँ हो चुका होगा। शुभकामनाएं भाई के साथ तो है, हम लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, व्यक्ति हैं। मैं मुंबई प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और मेरा सपोर्ट भाई को 100% रहेगा। किसी भी प्रकार का अगर हम लोग को भी अगर पार्टी से रिलेटेड भी कुछ हमको अभी अवसर मिलेगा तो मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा ताकि मेरे भाई को प्रगति मिले। और लोगों के उत्तर प्रदेश से और बिहार के लोगों से अपील भी करूँगा कि जिनको उत्तर प्रदेश और बिहार में मौका नहीं मिल पा रहा है वहाँ वो यहाँ पर आवें। उनको बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो धरती के जो गांव खेड़े में से पढ़े हैं, जो अच्छे अच्छे सिंगर पढ़े हैं, लेकिन उनको कहीं चांस नहीं मिलता है, वो लोग आवें और इस प्लेटफॉर्म पर उनको जगह दिया जाएगा और किसी प्रकार का उनको हर तरह के हेल्प किया जाएगा। और मेरा यही संदेश है कि यूपी बिहार के जितने भाई लोग हैं, बाम्बे माते किसी प्रकार की परेशानी भी हो तो हम लोगों से संपर्क कर उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। राजनीति और सिनेमा दोनों अलग अलग चीज़ें? नहीं नहीं बिल्कुल, राजनीति अलग भले है लेकिन क्या अपने जो घर के लोग जो जिस लाइन क्षेत्र में आते हैं उनको मदद तो किया जाता है ना। मैं भी एक निषाद हूँ, भारतीय निषाद, ये हमारे बगल में बैठे हैं गौतम निषाद जी, भारतीय निषाद सेवा संघ के कोषाध्यक्ष हैं। ये भी समाज के समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, समाज का संगठन है जो सब निषाद समाजों को प्रपोज करके उनको आगे ला करके उनको हर क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र के लिए ये लोग काम करते हैं। तो हम लोग भी अपने सबसे पहले हम लोग अपने समाज के लोगों को भी अगर जागृत किया जाता है तो हम तो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार को भी चाहेंगे कि आगे आएँ और आगे करके ये जो गांव में आपको मालूम होगा ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो खोज खोज के अगर निकाला जाए तो जहाँ जो अच्छे जहाँ गायक हैं ना उनका कंपटीशन कर सकते हैं। तो उनको ऐसे लोगों को मौका अगर दिया यहाँ दिया जाएगा और उनको ही बेटर आगे बनाया जाएगा ताकि बच्चे लोग आगे जा करके अपने उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम रोशन करें। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सुनील जी को, हमारे पुराने मित्र हैं और इन्होंने इन्विटेशन कार्ड दिया था तो मैं बोला ज़रूर आऊँगा। तो आप सभी से कर मतलब जैसे कि आज जो उद्घाटन है स्टूडियो का बहुत बढ़िया इन्होंने आप सोचे हैं, बहुत आगे जाएंगे, फुल प्रोडक्शन है, फुल प्रोडक्शन कुछ भी करिए, ऑडियो वीडियो शूटिंग पिक्चर फिल्म जो भी है। और मैं निषाद पंचम प्रदेशी गायक हूँ तो इसके बारे में एक लाइन गाता हूँ। गाना तो पुराना है, जैसे कि माता पिता के सौजन्य से ही खोलते लोग, माँ का आशीर्वाद पिता का आशीर्वाद, तो एक गीत है जो गोविंदा गाया था, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर कर जाएगा जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों की, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, वही कहा जाता है जो बोएगा वही पाएगा। चिरंत बहुत मेहनत किए हैं और सभी सिंगरों सभी दोस्तों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ के आर्ट पैदा हो रहे हैं उनको लेके आइए, इनसे मिलाइए, जो भी अगर पैसे नहीं तो भी रिकॉर्ड करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। मेरा यही हौसला आप सबको अफजाइश है और मैं निषाद पंचम सबको नमस्कार करता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आज ओपनिंग पे? सर सबसे पहले तो मैं सागर परदेसी राइटर
सारे भोजपुरिया भाई लोगन के गोड़ झुके गोड़ लगत नहीं। हमार भाई सुनील निषाद जी एगो सिंगर हैं यहाँ के, आज स्टूडियो के अवसर दिले बनी है कि स्टूडियो म्यूजिक लॉन्च कैले बनी निषाद म्यूजिक, आ जमुना के यहाँ के मालिक बनी। आ सब सिंगर के मौका दे तनी कि जे आई हमरा से जुड़ी आ नया नया गाना बनावला, आ भाई के साथ हमू जुड़ तनी ताकि हमारे तमाम गाना बटे आ तमाम गाना हिट बटे। यही में हमार उम्र बीत गई तो हम चाहें कि भाई के भी कुछ योगदान दी ताकि स्टूडियो के विकास होके। आ बाकी का कहें, म्यूजिक अच्छा बनी, जहाँ अच्छा ना रही वहाँ कंट्रोल कल जाए कि हियाँ खराब बा हियाँ नीमन बटे। भाई के साथ है हमारे सपोर्ट बटे, आ स्टूडियो बहुत आगे बढ़ी, चाह दिए तो साल भर में का हो जाए। तो ऐसे हम कहें कि भाई के स्टूडियो के हमारे शुभकामना बा, आ म्यूजिक अच्छा बनी, अच्छा अच्छा गाना रिलीज हुई। सिनेमा के स्टार आए हुए हैं आज ओपनिंग पे, तो उनके बारे में ये हमारे जो भोजपुरी के हमारे भैया हैं, काफ़ी फिल्म दिए हैं इन्होंने और हम भी काफ़ी इनका गाना किए हैं, आदित्य मोहन जी। और इनको लेके अभी मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ प्रतिशोध नागिन का, जिसका राइटर मैं ही हूँ और प्रोड्यूसर नहीं हूँ। म्यूजिक गीत संगीत मेरा है, गीत संगीत मेरा है और भैया हीरो हैं, और बाकी कास्टिंग का जारी है, मनी जी हैं रहेगी और सब है। हाँ बाकी मैं क्या बोलूँ, आपसे जुड़ा हूँ। जी ओपनिंग आज ओपनिंग का अनाउंस भी हो गया फिल्म का, तो कुछ बोलेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म का अनाउंसमेंट एक्चुअली कुछ दिन पहले ही हो चुका था, साइनिंग हुई है अनाउंसमेंट, तो अभी इन्होंने मीडिया में कर दिया। और एक्चुअली फिल्म का अनाउंसमेंट अभी बाकी है, उसका मुहूर्त अलग से होगा सब कुछ। काफ़ी एक अलग फिल्म करने में जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग ओरिजिनल नाग नागिन के साथ शूट करने वाले हैं। और बाकी अभी कुछ मैं रिवील नहीं करूँगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इन्होंने टाइटल रिवील कर दिया प्रतिशोध नागिन का। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी एक अलग सिनेमा वो बने वाला बा। वो फिल्म हमने के मार्च में जाए शूटिंग पे बनारस में, मार्च ना टेंटेटिव मार्च में जाए सर, एक अलग सब्जेक्ट पे सिनेमा बनने वाला बा। और हमारा उम्मीद बा कि फिल्म बहुत धमाल मचाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी जितना नाग नागिन पे सिनेमा बन चुकल बा उस सब से अलग हुई, ऐसे भी हम जो सिनेमा करें हम कोशिश करें कि हमारे बाकी सब सिनेमा से एक कुछ अलग हो के लुक से लेके, चाहे फिल्म के कॉन्सेप्ट चाहे कुछ भी, कुछ अलग अपना दर्शकन के दी ताकि देखें मज़ा आवे। तो वही ये प्रतिशोध नागिन के भी एक अलग नाग नागिन के सिनेमा हुई भोजपुरी इंडस्ट्री में। रियल है, जो भी हम नाग नागिन लिए हैं सब रियल लिए हैं, ग्राफिक कुछ नहीं है, जो भी है सब रियल दिखाएंगे। और बाकी मैं क्या कहूँ, बाकी तो मेरे गाने आप सुन नहीं है, हमारी जान को खतरे पे लेके जाएंगे। नहीं नहीं, उसका सफेरा का जुगाड़ है उसमें, समझे क्या, सब सांपों का दांत, हाँ सब रहेगा। नहीं फिर भी नाग है, दांत टूटा रहे तो आपको पकड़ने को बोलेंगे, आप पकड़िएगा नहीं पकड़िएगा, क्योंकि नाग नागिन है रियल। तो ऐसा है, आप भाई के स्टूडियो के ऊपर क्या मैं सुनाऊँ आपको, बोलिए। हर हर महादेव कुछ सुनाइए सागर बाबू, दो लाइन अभी मेरा एक अरे सर चालू कर जनरेटर, जनरेटर तो वो सब यहाँ पे तो तोहरा रूपावा में जाने कौन जादू बा, तोहरा रूपावा में जाने कौन जादू बा, जब से देखल बानी दिल पे नहीं काबू बा, तोहरा रूपावा में जाने कौन जादू बा।